आज मैं आपके साथ एक और रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो प्री मेच्योर ब्रेनिंग हेयर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। हम एक ऐसा ऑयल प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट को इंक्लूड करेंगे, उसका मिक्सचर बनाएंगे जिससे कि आपके हेयर रूट से ही ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। आपको ये प्रोसेस करने के बाद, इसको अप्लाई करने के बाद एटलीस्ट 30 डेज तक इसका बेनिफिशियल रिजल्ट मिलने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऑयल है। ये मैजिकल वर्क करेगा आपके हेयर के ऊपर, लेकिन आपको इसका एप्लीकेशन वीक में 2 टाइम जरूर करना पड़ेगा और ओवरनाइट रखना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट डे आपको शैम्पू से वॉश करना है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आपकी हेयर जो ग्रे होने की प्रॉब्लम है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी। अगर बच्चों के भी हेयर वाइट हो रहे हैं तो वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अगर बड़े हैं उनके हेयर जल्दी वाइट हो गए हैं तो भी ये जो रेमेडी है वो मैजिकल वर्क करेगी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनके हेयर वाइट ही हैं वही इस ऑयल को लगा सकते हैं, जिनके हेयर ब्लैक भी हैं वो भी इस ऑयल को अगर यूज़ करेंगे तो उनके हेयर लंबे समय तक ब्लैक ही रहेंगे। एजिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो हमारे हेयर वाइट जल्दी हो जाते हैं वो भी एजिंग प्रोसेस डिले हो जाएगा अगर आप इसे रेगुलरली यूज़ करते हो तो। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ ये ऑयल आपने कैसे प्रिपेयर करना है। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले आपको लेना है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल एक ऐसा ऑयल है, सरसों का तेल जिसे हम बोलते हैं। अगर आप रेगुलरली अच्छे से इसका एप्लीकेशन अपने हेयर पे रेगुलरली करते हो तो आपके हेयर बहुत लंबे समय तक ब्लैक रहते हैं। इसमें एंटी ऑक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, हेयर को ब्लैक रखने का इसका जो इसके अंदर प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, मेलानिन का जो प्रोडक्शन है वो भी बूस्ट हो जाता है अगर आप सरसों के तेल की मालिश अपने हेयर रूट्स पे करते हो। तो हमने यहाँ पे जो बेस ऑयल लिया है वो मस्टर्ड ऑयल ही लेना है, आप कोई और ऑयल नहीं यूज़ करोगे, यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ही ज़रूरी है अगर आप इसके मैजिकल रिजल्ट 30 डेज के अंदर देखना चाहते हो। सेकेंड इंग्रेडिएंट है हमारा कलौंजी सीड, ऑनियन सीड, या हम इसे ब्लैक सीड भी बोलते हैं या नाइजेला सीड्स भी बोलते हैं। ये सीड्स इतना मैजिकल वर्क करते हैं कि अगर हमारा हेयर का कलर जो है फेड हो चुका है तो उसको लॉक करने का काम करते हैं ये, और रूट से ही ये जो कैटलस का प्रोडक्शन है वो बूस्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये जो हमारा मेलानिन का प्रोडक्शन है वो भी बूस्ट हो जाता है और उसकी वजह से हमारे हेयर दोबारा से ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हम 1 चम्मच कलौंजी सीड का लेंगे। सेकेंड इंग्रेडिएंट है हमारा मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स, ये बहुत ही अमेजिंग वर्क करते हैं। ये प्रोटीन की कमी नहीं होने देते हमारे हेयर रूट्स के अंदर, हेयर फॉलिकल्स को मजबूत भी करते हैं। अगर हम इनको अपनी ऑयल में यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही मैजिकल वर्क करते हैं, पूरी ड्राइनेस, डैमेजनेस जो भी आपके हेयर पे हो चुकी है वो सारी फिनिश हो जाएगी। हेयर को रूट से लेके टिप तक ये ब्रेक नहीं होने देते फेनुग्रीक सीड्स, इतनी ज़्यादा अमेजिंग वर्क करते हैं ये। 1 चम्मच आपने फेनुग्रीक सीड का लेना है, 10 से 15 गिरी आपने लौंग की लेनी है। जैसे कि हम मेहंदी अपने हेयर हेयर पे या फिर हाथों पे लगाएं तो हम लौंग का तेल या फिर लौंग यूटिलाइज जरूर करते हैं ताकि उसका कलर पक्का रहे। तो यहाँ पे हम वही काम कर रहे हैं कि जो हमारी हेयर रूट हैं उसमें से जो हमारा कलर फेड हो चुका है वो दोबारा से वापस आ जाए और जो नया कलर अराइज होगा जिससे मेलानिन के बूस्ट होने से वो बिल्कुल लंबे समय तक हमारे साथ चले। लॉन्ग इस चीज़ को वर्क करके रखेगा, लॉक करके रखेगा, आपके कलर को फेड नहीं होने देगा और जो फ्यूचर में आपके और वाइट होने हैं हेयर जो रेगुलर होते हैं वो रुक जाएंगे बिल्कुल। तो आप लॉन्ग की 10 से 15 गिरी यहाँ पे लोगे। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने कलौंजी सीड्स, फेनुग्रीक सीड्स और ये जो लौंग हैं इन तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से आयरन की कढ़ाई में रोस्ट कर लेना है, इनको पका लेना है अच्छे से, और इनको तब तक पकाना है जब तक ये ब्लैक ब्राउन सा कलर ना दे दें, अच्छे से पक ना जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जो ऑयल हमारा सरसों का तेल है जो हमने लिया उसमें 1 चम्मच आलमंड ऑयल का मिक्स कर देना है।
किसी कांच के जार में, दोनों को मिक्स करना है। फिर आपने जो ये कलौंजी सीड, मेथी दाना और लौंग जो आपने रोस्ट करे पकाए, इनको मिक्सी जार में ब्लेंड कर लीजिएगा। ये दरदरे से पिस जाएंगे जब, तब आपने इनको इस ऑयल के अंदर डाल करके रख देना है। और इस इनको आपने कम से कम 3 डेज के लिए इसके अंदर ही कांच के जार में इनको डिप करके ही रखना है। और 3 दिन बाद ही आपका ऑयल प्रॉपरली रेडी हो जाएगा। इसका पूरा इन सीड्स का इन्फ्यूजन इसके अंदर हो जाएगा और इसका जो हमारा ये ऑयल है इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और ये ऑयल अब आपका रेडी है यूज करने के लिए। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो हमने रेसिपी तैयार करी है इस ऑयल को बनाने की, वो हमने कांच के जार को यूज़ करा है। जब ये ऑयल बन भी जाएगा तब भी ये कांच के जार में ही रखना है आपने। अब आपने ये सीड मिक्स कर रखे हैं, 3 दिन बाद ये ऑयल रेडी है। तो अगर आप डायरेक्टली इसे कांच के जार से निकाल के अप्लाई करोगे ठीक है, लेकिन अब इसके जो हमने दरदरा इन बीजों को पीसा था तो वो थोड़े थोड़े से ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो आपके हेयर पे लग जाएंगे और फिर आपको हेयर वॉश करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप एक बार को इसको छान सकते हो, क्योंकि इन सीड्स का पूरा एक्सट्रैक्ट आपके ऑयल में आ चुका है। अब इन्हें आप छान के दोबारा से कांच के जार में डाल करके रख सकते हो और इस ऑयल को आप 5 to 6 months तक रख सकते हो और यूज कर सकते हो। और ये ऑयल बहुत ही मैजिकल वर्क करेगा। रेगुलर आप इसे 2 टाइम एक हफ्ते में यूज कीजिए, ओवरनाइट के लिए छोड़िए। लेकिन आप एक माइल्ड शैम्पू ही यूज करेंगे, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, हर्बल शैम्पू यूज कीजिएगा। क्योंकि रेमेडीज का असर तभी होता है जब आप ज्यादा सल्फेट वाला शैम्पू यूज नहीं करें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको नॉलेजेबल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।